त्रस्त है और राजा साहब सुरा सुंदरी में मस्त है। हमारे छात्र, पढ़ने वाले छात्र, आप गांव में जाइए। मेरे ही गांव से 15-16 स्टूडेंट धनबाद तैयारी के लिए जाते थे। जब से वैकेंसियां रद्द हुई है उनकी संख्या, लोग पूछे कि क्या कारण है, तो बोला था कैसे हिम्मत करें, जीवन का 5 साल 6 साल 7 साल जाता है, अरे समय जाता है तो अलग विषय है, बाप की आधी पूंजी चली जाती, माँ की आंखों की रोशनी चली जाती, सपना टूट जाता है, तो क्या करें। आखिर पढ़ना भी तो इसीलिए चाहते हैं कि एक नौकरी करें, और नौकरी भी तो इसीलिए करना चाहते हैं कि छोटी सी कमाई हो जाए। तो हम 5 साल अपना बर्बाद करने के बाद अपने बाप की आधी पूंजी हाथ बटाएं, पैसा कमाने से तो मतलब है। तो इसीलिए भैया हम सोच रहे हैं इस बार मिरन महीना में खेती करेंगे, धान के बाद गेहूं लगाएंगे, लेकिन अब कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं करेंगे। सोचिए कितना दर्द, सोच के देखिए कितने दुख में है हमारे छात्र। बस एक पुलिस ही नहीं बना है, ये कैसा राज्य है। आज अगर इस राज्य में एक पॉलिसी नहीं बनी है तो सवाल खड़ा होता है इस राज्य के तमाम आईएएस पर, क्योंकि आईएएस का काम होता है पॉलिसी बनाना। और आप अगर इस राज्य में 22 सालों के झारखंड में एक आप पॉलिसी नहीं बना पाए हैं तो सवाल तो होता है, भले आपको बुरा लगेगा, कि आप लोग आईएएस है कि गधा है। भले बुरा लगेगा लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं, हम टूटे हुए लोग, अपने आंखों के सामने सपने को टूटते हुए दिखने वाले लोग, आज मजबूरी में हमें इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है कि आप आईएएस बन के आए हैं या आप लोग कोयला बालू चोरी करने आए हैं। एक नीति नहीं बन पाती है और बार बार आप दुहाई देते हैं झारखंड के लिए, क्यों अन्य राज्य नहीं है, कर्नाटक में भी, कर्नाटक भी राज्य है, वहां 70% रिजर्वेशन है थर्ड और फोर्थ में। तेलंगाना 371D के अनुसार राज्य की तमाम नौकरियां, जिस प्रकार हमारा यहाँ जेपीएससी थर्ड और फोर्थ छोड़ दीजिए उस बनने की नौकरियां हैं, तेलंगाना में वो भी रिजर्व है। तो संविधान की आंखें केवल झारखंड के सामने आकर फट के क्यों रह जाती हैं? संविधान का तो मतलब होता है सम जोड़ विधान, सम यानी समानता, विधान यानी नियम, यानी समानता का नियम सबके लिए हो। तो यदि झारखंड के युवा अगर अपने लिए नियम मांग रहे हैं, अपने पक्ष में अगर विधि बनाने की बात कर रहे हैं, नियोजन नीति बनाने की बात कर रहे हैं, तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? भैया हम तो नहीं कह रहे हैं, इस देश के पूर्व सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्लाह का एक स्टेटमेंट था कि यदि राज्य चाहे तो अन्य राज्य जो विकसित राज्य है उनके अभ्यर्थियों का इस राज्य में प्रवेश करने से नौकरियों में नियम बना सकते हैं। और हम स्वीकार करते हैं चाहे बंगाल हो या बिहार हो, हमसे तेज है, सबसे ज्यादा कंपनी कोलियरी में बाबू लोग देते हैं, हम स्वीकार करते हैं। अतः हमें अगर अधिकार मिलना चाहिए तो सबसे पहली बात नियोजन नीति में हमारी भाषाओं का बैरियर हो, हमारी भाषाओं की प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन आज जो भी पॉलिसियां लेकर आ रहे हैं, आप देखिए स्थानीय भाषा का बैरियर खत्म, यदि स्थानीय भाषा का बैरियर खत्म है इसका मतलब वो वैकेंसी किसके लिए है? स्थानीय के लिए तो नहीं है। यदि स्थानीय भाषा का बैरियर है ही नहीं तो वैकेंसी है किसके लिए? इन परिस्थितियों में यदि हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हैं तो कहीं ना कहीं इसके रिस्पॉन्सिबल राज्य की सरकार है। मुख्यमंत्री विधानसभा के भीतर रोते हुए कहते हैं कि लड़का लोग हमको मूर्ख मंत्री बोलता है। बजट सत्र का अंतिम दिन मुख्यमंत्री, वही जो उनका सेंटीमेंट होता है कि हम आदिवासी का बेटा है, जिस प्रकार आंसू बहाना जानते हैं मगरमच्छ का आंसू, वो बहाते हैं, बोलते हैं कि लोग हमको मूर्ख मंत्री बोलता है। तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि भाई उन्हें मूर्ख मंत्री क्यों ना बोला जाए, वही उत्तर दें। हम लोग 6ठी क्लास में पढ़े हैं कि एक सांसद, एक विधायक किसी लाभ के पद पर नहीं हो सकता है। आप अपने नाम से पत्थर का खदान का माइंस का जो लीज कैसे ले लिए थे? संवैधानिक बात आपको नहीं बोले, हम लोग 6ठी क्लास में मौलिक अधिकार पढ़े हैं, 6ठी क्लास में संसद का विधायक बनने का तरीका पढ़े हैं कि कौन विधायक बन सकता है, कौन संसद बन सकता है, वो साफ साफ लिखा है कि आप लाभ के पद पर नहीं हो सकते हैं। तो ये खदान का लीज का जो कागजात है वो आपके नाम